तुम्हें रोना आ रहा है क्या? मेरी हालत देख के रोने की जरूरत नहीं है। देखो वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त में उतार उतार चढ़ाव तो सब होते हैं, उससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन मैं काफी डरी हुई हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं निकल चुका हूँ फिर से भोपाल के लिए। आज कैब आने में बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा था, तो आज मैं ऑटो से ही जाऊँगा। और सुबह सुबह एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने का ऑटो से जो मज़ा आता है ना, उसकी अलग ही बात है। हवा लगती है ठंडी ठंडी। तो अभी पहुँच जाऊँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। कितना भारी किया तूने बाबा, पापा कभी टायर्ड नहीं, पापा आ जाएंगे, पापा जल्दी आ जाएंगे। तो जी रूम में पहुंच चुका हूं, कॉफी ऑर्डर हो चुकी है और इस बार खेलनी है लंबी इनिंग भोपाल में। हालांकि बीच में एक दो दिन मेरा गैप होगा, उस वक्त मेरे जो प्लान्स पिछली बार कैंसिल हो गए थे, जैसे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जाना और एक दो और भी थोड़ा भोपाल को एक्सप्लोर करना, वो सब मैं करूंगा। कम से कम मैं यहाँ पर 15 दिन तो हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी आज सुबह अर्ली मॉर्निंग चला गया और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उठा भी नहीं जा रहा था नहाने के लिए। मैं किसी तरह से अभी नहाई हूँ, तैयार हो रही हूँ। मुझे लगा था थोड़ा सा बेटर फील करूंगी, इलेक्ट्रॉल भी पी लिया मैंने, बट आई गेस ये जो इन्फेक्शन है इट टेक्स टाइम। मेरी हालत बड़ी खराब है, मैं लिटरली बाथरूम में थी मैं, तो मुझे बहुत तेज चक्कर आया है, बहुत तेज। मैं नहाने के बाद टॉवल में ही मैं काफी देर तक लेटी रही हूँ, इतना हुआ है चक्कर। वो अभी बैठी हूँ, हो सकता है मेरा दोस्त आए, और क्या ही बोलूँ, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ बेटा, मैं लेती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में आपको दोबारा मिलती हूँ। अविनाश पहुंच चुका है, मेरी अविनाश से बात हुई थी। अविनाश को ज्यादा देर में बोला नहीं, उसको पता ही है तबीयत तो खराब थी, और इनफैक्ट आधी रात को भी ज्यादा ही खराब हो गई थी। फिर मैंने उठ के एक डोज खाई। आई नेवर न्यू कि इन्फेक्शन जो होता है, स्टमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग जो होता है, वो इतना खराब हो सकता है। मैं लिटरली मैं उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। पहले मैंने सोचा था उठ के थोड़ा बेटर फील करूंगी, थोड़ा बाहर जाऊंगी, तो फ्रेंड से कॉफी वगैरह पे मिलूंगी। अब मैंने उसको बोला तू घर पे ही आ जा, थोड़ी देर में दोबारा मिलती हूँ आपको। बहुत सोचा मैंने, थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा बेटर फील करूंगी, लेटना है मुझे, मैं लेटने जा रही हूँ। थोड़ी देर सो रही हूँ, लेटती हूँ, थोड़ा बेटर शायद फील करूंगी। ऐसा तो वैसा कभी नहीं होता। कैंडी जहाँ मैं वहाँ ये दो। पापा को बेटर पता लग गया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मम्मी ठीक है, इसको ना पता लग गया कि तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं ऐसे कभी लेट उगी ही नहीं दिन में, एक्चुअली कंसर्न हो गई है, डर गई है, थोड़ी सी घबरा गई है। मम्मा ठीक है, मम्मा ठीक है, एकदम देख तो जरा मीता। प्यार कर रही है मेरे को, उसको पता है तबीयत ठीक नहीं है। कितना ज्यादा इमोशनल है मेरा बच्चा, कितना इमोशनल है। कौन कहता है इनको पता नहीं चलता, इनको समझ नहीं आती। ये देखो छोड़ नहीं रही है मुझे। मम्मा ठीक है एकदम, थोड़ा अच्छा रेस्ट करूंगी ना, फिर ठीक हो जाऊंगी मम्मा। यहाँ पे मेरा दोस्त आ गया है जो कि फ्रेम में कभी नहीं आता है, और उसके लिए मैं बना रही हूँ कॉफी। आपको बता दूं कि तबीयत तो मेरी खराब है, बुखार तो नहीं उतर रहा, और इसको बहुत हंसी आ रही है मुझे देख देख के। इसको लग रहा है कि मैं सब ड्रामा कर रही हूँ, सब झूठा है। सोचो मैंने कोई मेकअप नहीं किया, सोचो कुछ ऐसे ही पैसे पड़ी हुई, ना बाल बांधे ना कुछ। नहाई जरूर, नहाने के बाद आया तेज चक्कर, तुम्हें रोना आ रहा है क्या? मेरी हालत देख के रोने की जरूरत नहीं है। देखो वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त में उतार उतार चढ़ाव तो सब होते हैं, जिंदगी में आते हैं, उससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन मैं काफी डरी हुई हूँ आज, क्योंकि पति भी यहाँ नहीं है। पति गया 15 दिन के लिए, कह तो ऐसे रहा है, ये भी हो सकता है 2 दिन बाद फिर मुंह उठा के आ जाए। नहीं आ जाएगा तो अच्छा है, वरना फिर 15 दिन के बाद ही मिलूंगी मैं उसको। बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, जो होता रहेगा वो तो आपको दिखाती रहूंगी, लेकिन आज का ब्लॉग तो ऐसे ही जाएगा डेड सा। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मुझे प्रोत्साहन दीजिए। आज का ब्लॉग अगर चलाया है, इस ब्लॉग को ट्रेंडिंग पे लाना है दोस्तों, क्योंकि बुखार भी चढ़ा हुआ है, एनर्जी भी नहीं है, पेट में वो दुख रहा है इन्फेक्शन के कारण, फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे आ गई है मेरी चिया सीड्स, मंगवा ली मैंने। चिया सीड्स कहते हैं थोड़ा ठंडा होता है। आवाज आ रही है पेट में ना, बहुत कड़कड़ 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 ये सब आ रही है आवाजें। तो भी कहते हैं किसी पे हंसना नहीं चाहिए, शायद मैं किसी पे हंसती थी। गाँव का प्यार, पेट में दर्द सवार,
बेटा ये क्या कर रही है? उसको भिंगोना है ना कि अभी से पीना है। भाई पानी दे, पानी गिलास भर के पानी दे मेरे को, बड़ा गिलास। देखो मेरे दोस्तों इतना भी दम नहीं है कि मैं खोल पाऊँ। खोल बताओ। 220 रुपए का चिया सीड। इंसान इससे अच्छे दवाइयों पे नहीं पैसे खर्च करता। इससे पक्का तो है नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगी। हटेगी तो कुत्ती मिटा। आपको दिखा देती हूँ मैं, ये है चिया सीड्स, ठीक है, ये होती है। और ये एक गिलास पानी में आप एक चम्मच ही डाल जाए बेटा। अब थोड़ा सा इसको 15-1 मिनट रख देंगे ताकि फूल जाए, जैसे मैं फूल जाती हूँ। और फिर इस पानी को पी जाएंगे। इसको वेट करते हैं तो हमने दोस्त से बातें होते हैं। बेटा रुक जा रहा, ये खेल नहीं चल रहा। एरर है माई ही है ना। 116 इतना कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल ही गलत है। 130 मेरा वीपी कहाँ चला गया? बकवास। तो दोस्तों वीपी एक और बार चेक होगा, गलत चला गया। अरे यहाँ पेट में दर्द हो रहा है मेरे। दोस्तों मेरे सामने से बैठा दोस्त मुझे देख के हंस रहा है। तो दोस्तों मैं अपना अपडेट आपको दे देती हूँ। बीपी का अपडेट एकदम, बीपी सही है, लो नहीं है ना, हाई तो जाता ही नहीं। बीपी एकदम ठीक है। पेन का अपडेट अबाउट माय स्टमक इस 10 में से 4 नंबर, मतलब कम है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इरिटेट कर रहा है। और ओवरऑल अगर मैं बात बताऊं आपको तो वीकनेस आई गेस बहुत ज्यादा है। वीकनेस ज्यादा है ना, इसलिए मुझे वो अजीब सा लग रहा है बस। बाकी ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मिलती हूँ। दोस्तों एक बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो तो मैं करना भूल ही गई। बहुत लंबे टाइम तक एक्चुअली गांव में भी थे, वहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव भी नहीं थी, तो अब वापस आई हूँ। तो एक जो चीज है जो मुझे बहुत दिल से शेयर करनी है, बहुत ही बड़ी चीज हुई है। ऑस्कर अवार्ड जीते हैं हमारी एक फिल्म एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिला है। RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है, मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा डिजर्विंग गाना है भी वो। हमारा देश ऑस्कर अवार्ड लेके आ रहा है एंड प्रेजेंटर दीपिका पादुकोण थी, तो ऑब्वियसली मतलब शी लुक्स वेरी ग्रेसफुल, शी लुक्स अमेजिंग, मतलब बेस्ट प्रेजेंटर थी। और इतनी खुशी हुई है ना, तो वो मेरे लगा कि मुझे व्लॉग में आकर ये अपनी खुशी जरूर बतानी चाहिए। दैट वी फील सो सो प्राउड ऑफ आवर इंडिया, कि बाहर जाके बाहर के देशों में भी अपनी अचीवमेंट के झंडे गाड़ के आए हैं लोग, और ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से शुरुआत होती है। बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स की अब फिल्म आनी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को ऑस्कर दिया जाना चाहिए, चाहे वो बाहर की फिल्म हो चाहे इंडिया की हो। लेकिन बींग एन इंडियन मैं चाहूंगी कि इंडिया के फिल्म को अवार्ड्स मिलते रहे, बाहर के बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिलते रहे, और ऐसी फिल्म बन भी रही है। एलिफेंट विस्परर्स मैंने देखी नहीं हुई है, बट आई एम गोइंग टू वॉच इट नाउ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम से मेरे ख्याल से बाहर ही लेट के मैं फिल्म देखूंगी। नाटू नाटू तो सबने देख भी लिया, रीले ही बना ली, मेरे से मिस हो गई थी, लेकिन ये फिल्म देखनी बाकी है। एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड ऑल ऑफ अस। एक्चुअली ये जब कोई एक इंडिया का एक बंदा अचीव करके लाता है तो ये पूरे इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात होती है, एंड आई फील सो प्राउड ऑफ आवर इंडिया। दोस्तों मैं अब उठी, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। पेट में अभी भी जकड़ा है बहुत ज्यादा, लेकिन एक कॉफी तो बनती है ना, एक कॉफी पीती हूँ, शायद आई फील बेटर। तब तक ये गोंद का तीरा जो है ना, यदि गोंद छोड़ेगा और पानी में कुछ होगा, कहते हैं पी के कह रहा है कि कुछ हो जाएगा अंदर, देखते हैं क्या होता है। आओ दोस्तों कॉफी बनाते हैं, और ये मैंने बिल्लियों का और खाना मंगाया है। सोचो आई एम नॉट अ कैट लवर, मांगती भी है ना बेचारी। तो ये फाइनली खाना आ चुका है, बहुत सारे फीडर्स को मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि खाना आ चुका है। इफ यू वॉन्ट टू गेट फूड प्लीज इट्स ऑल योर। तो ये एक बार जब से ये खत्म होगा फिर मैं और मंगाऊंगी, मंगाती रहती हूँ। तो जी यहाँ पे आ गया मेरा खाना, खिचड़ी और दही। अभी तो थोड़ी और पतली होनी चाहिए थी खिचड़ी ना, हाँ बहुत गाढ़ी है, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ी पतली करते इसको पानी डाल के ना, पतली करते थोड़ी, उबाल देना थोड़ा सा। फाइनली खिचड़ी पतली हो गई है, पतली होके आ गई। हाँ इतनी ही पतली चाहिए थी अभी तक। और मैं आपको बताऊँ मेरे को एक्चुअली भूख बिल्कुल नहीं है, लेकिन खाना तो देखो खाना है। इस वक्त पे ना मैं मिस कर रही हूँ अविनाश को, क्या किया जाए, क्या ही करे इंसान। बेटा दही डाल दे थोड़ा सा, ऐसा उल्टा दे इसको इधर इधर। ये दोस्तों खिचड़ी ना फैल के आपको ज्यादा दिख रही है, क्वांटिटीज की कमी है, ज्यादा नहीं है।
तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ बिल्कुल तैयार अपने शूट के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:11 बजे मैं पहुंचा था। उसके बाद मैंने अपना कुछ काम किया, लंच किया और अब मैं पहन रहा हूँ अपने शूज। इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। संभावना की तबीयत बहुत खराब है, मेरी बात हुई उससे, काफी वीकनेस है। मैंने अमिता को बोला है कि हर एक घंटे पे संभावना को इलेक्ट्रॉल दे, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉल पीने में बहुत कोताही करती है, पीती नहीं इलेक्ट्रॉल, गोची मार देती है। अमिता से बात की अभी और बोला है कि डॉक्टर को भी घर पे विजिट करवा लें। मैं निकल रहा हूँ अपने शूट के लिए, आप लोग देखो संभावना की तबीयत कैसी है, मैं भी थोड़ी देर में बात करता हूँ। तब से आप देख रहे होंगे ऐसी ही लेटी हुई हूँ, बिल्कुल रेस्ट कर रही थी। अब मैं देख रही हूँ, अमिता को बोला थोड़ी चाय देने के लिए मुझे, क्योंकि कॉफ़ी तो बिल्कुल ही अवॉइड कर रही हूँ। आज मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा आई थिंक दो ब्रेड भी सेक रही है। देखो कैसी बनी हुई हूँ मैं आज, यहाँ पे चाय बना रही है और ब्रेड सेक रही है। जाओ आ जाओ, बारह कहाँ हो गया भाई बब्बू को, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन मुझे पता ही है ना मेरे को भी छोड़ेगी नहीं, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी खून पीना कि मेरे को नीचे लेके चल, मतलब अपार्ट फ्रॉम हर ओन घूमना उसको मेरे साथ जाना बहुत ज़रूरी है। और ये मानती नहीं है, फिर हिम्मत नहीं है चेरू, आज मेरी हिम्मत नहीं है बेटू, आज सही में हिम्मत नहीं है। आपको पता लग रहा होगा मेरी आँखों से है ना, आँखों में ही बिल्कुल वो बार बार फीवर चढ़ जाता है ना, हालत ख़राब हो जाती है। हाँ बेटा माँ का खून ना पी, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे चेरी का ड्रामा शुरू हो चुका है कि उसको नीचे घूमने जाना है, जस्ट लुक एट हर। ड्रामे शुरू ना क्यों जाऊँ मैं तेरे साथ, क्यों जाऊँ? देखो पता तो है ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ऐसा ड्रामा कर रही है। अरे एक दिन छोड़ देना लड़की, मुझे एक दिन छोड़ देते हैं। एक बार ड्रामा शुरू हुआ ना फिर नहीं मानती है। मान जान, जा तो रही हूँ। अमिता चल ना यार, अमिता नहीं मानेगी वो अब। चल आजा खाली, दूसरी अभी आई नहीं है ना बिल्ली। क्या ठंडी ठार हवा चली है, बहुत कमजोरी, एक दिन के बुखार ने इतनी कमजोरी दे दी मुझे। यही सोचो आज से ज़्यादा बुरी व्लॉगिंग मैंने कभी नहीं की होगी, हो भी सकता कभी की हो, लेकिन आज तो बहुत ही एकदम ही थुस्सर व्लॉग है। बट कोई बात नहीं, कोशिश तो देखो कर रही हो ना फिर भी। चल बेटा भाग, चल भाग। अच्छा नो दिस इज नॉट योर फूड बेटा, चलो दिस इज मम्मा'स फूड। क्या चाहिए, खाना चाहिए आपको? कर्ड, यू वांट कर्ड? ओके वन मिनट, मम्मा विल गिव यू कर्ड। ला अमिता इसकी ना वो दे दे, दो डब्बे दे दे। यू वांट सम कर्ड बेबी? हाँ बेबी। पहले चेरी को देना, चलो खा लो। नो चुन चुन विल गेट, ओके नो इट्स कैंडी इज डन, ओके। अपना खाना खाओ नहीं खाओ इनको जरूर देना है। दिन भर भी रेस्ट करने के बाद रात भी हो गई है, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो मैं बस ब्लॉग को एंड करूंगी और आपको मिलूंगी कल। आज हालत ठीक नहीं है, आज आई नीड रेस्ट। बच्चों ने बहुत दुखी किया, दो दो बार फिर भी नीचे लेके गए हैं, जाना पड़ा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, कल मिलती हूँ आपको, अभी सोने चली हुई। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। ये होती है बुखार में ब्लॉगिंग, बुखार की ब्लॉगिंग थी। दोस्तों मैं अपने शूट से आ गया हूँ वापस, रात के 12 बज चुके हैं, करेक्ट 12, और संभावना से 2-3 बार बात हुई मैंने, उसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉल वगैरह पीने की वजह से थोड़ा सा नॉर्मल हुई है वो। अब सो जाऊंगा, बहुत जोर से नींद आ रही है, मेरे को लग रहा है कि मैं ना अरसों से सोया नहीं हूँ, बिकॉज भोपाल आना जाना कई बार, फिर तुरंत यहाँ से जाते ही गोरखपुर, फिर वहां पे घूमना, फिर यहाँ आना, फिर आते ही फिर भोपाल, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना सालों से नहीं सोया हूँ। अब मेरा कल शूट नहीं है और मैं जम के सोने वाला हूँ आज, फिर सुबह उठूंगा एकदम फ्रेश माइंड से, तब आप लोगों को मिलूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड प्लीज डू लाइक शेयर।